कोयले की फाइलें कहां गायब हुई हैं, कैसे गायब हुई हैं, इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें, सदन को विश्वास में लें और बताएं 147 फाइलें जिसमें एप्लीकेशंस हैं और हर फाइल में कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा आदमी इसमें शामिल है, वो फाइलें गायब हुई हैं। जो डिसीजंस लिए गए हैं वो फाइलें गायब हुई हैं। इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ, पूरा सदन आपसे संरक्षण चाहता है, आप सरकार को निर्देशित करें। नेता सदन 2 सप्ताह की अस्वस्थता के बाद आए हैं आज, मैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना देती हूँ और इसके साथ ही उनसे ये अनुरोध करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री को सदन में लाकर ये वक्तव्य दिलवाने का काम करें, ये फाइलें कैसे गायब हुई और कैसे ये फाइलें वापस आएंगी और कब तक वापस आएंगी, इसके बारे में मैं आश्वासन चाहती हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर प्रत्यक्ष आरोप हम पर लगाने की कोशिश की गई है और किसी तरह से ये आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हूँ। यूं ले करो, माननीय नेता प्रतिपक्ष ये बताएं कि ये कौन सी सजा भुगतेंगे।